आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर आपको बता देते हैं देहरादून से। अगली खबर, भू विज्ञान संस्थान में तृतीय त्रैवार्षिक सम्मेलन, सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिक शामिल हुए। प्राकृतिक दृष्टि से राज्य उत्तराखंड महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता दुनिया में विशिष्ट है। तो भू विज्ञान संस्थान में तृतीय त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें कई सारे वैज्ञानिक शामिल हुए। किस तरह का यह सम्मेलन रहा, क्या खासियत रही, जानकारी दे रहे सोनू, बताएं। देखिए पारुल, ये जो सम्मेलन है ये बहुत अहम है, ये कई पहलुओं से अहम माना जा रहा है। क्योंकि जो हिमालय है, उत्तराखंड जो राज्य है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है, बिल्कुल हिमालय से लगता हुआ उत्तराखंड राज्य है, और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भिन्न है और खास भी है। जो यहाँ की जैव विविधता, यहाँ का जो प्राकृतिक ढांचा है वो एक विशिष्ट भी है, खास भी है, और हिमालय जो है वो पूरे देश को स्वच्छ प्राणवायु भी देता है। चूंकि आप जानती हैं पारुल, जो हिमालय है उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसमें ही, जिसको हम माता के रूप में भी पूजते हैं, पतित पावनी माँ गंगा का उद्गम स्थल भी इस उत्तराखंड के क्षेत्र में ही है, और यहाँ से जो नदियों का कलकल करके जो नदियां बहती हैं उनसे कृषि के साथ साथ लोगों को जल प्राप्त होता है, तमाम ऐसी औषधियां हैं जो हिमालय से मिलती हैं। तो हिमालय ही अपने आप में बहुत अहम है और हिमालय से जुड़े जो पहलू हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी यहाँ के वैज्ञानिकों से, जो वैज्ञानिक चर्चा करने के लिए जुट रहे हैं, उनसे ये बात कही है कि खास तौर पर जो आपदाओं से जानमाल का नुकसान होता है वो कम से कम हो, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके अलावा क्योंकि अगर हम भूकंपीय लिहाज से इस क्षेत्र को देखें तो जोन 4 और 5 में आता है, ऐसे में जो भूकंप से होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो, और इसके लिए भी हमें अलर्ट रहना होगा। इसके साथ साथ जो प्राकृतिक हमारी संपदा है इसको हम कैसे बढ़ाएं, तो इस पर शोध होने की आवश्यकता है, और इस पर जो शोध होगा उससे निश्चित तौर पर एक अमृत निकल करके आएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी उम्मीद जताई है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत अहम सम्मेलन है, भूकंपीय लिहाज से अहम सम्मेलन है, नदी नालों के लिहाज से अहम सम्मेलन है, जलवायु के लिहाज से बहुत अहम सम्मेलन है, और अहम सम्मेलन इस लिहाज से भी है क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं, जब जलवायु परिवर्तन होता है, तो इनका संरक्षण संवर्धन किस तरीके से हो, ये इन पहलुओं पर भी मंथन किया जाता है। बड़ी एक टीम जो वाडिया संस्थान की है वो लगातार रिसर्च करती रहती है, उनके रिसर्च सामने भी आती रहती है, तो इस रिसर्च पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के सुखद परिणाम सामने आएंगे, ये उम्मीद की जा रही है। जी पारू, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, और जाहिर सी बात है जब बड़े बड़े वैज्ञानिक जुट रहे हैं तो हल निकलेगा और निकालेंगे, लेकिन अगर इस समस्या का हल निकल जाता तो हम देखते हैं उत्तराखंड में आए दिन समस्या जब बड़ी खड़ी हो जाती है, जब हम देखते हैं कि मौसम के दौरान जो बाढ़ का खतरा है, जो बाढ़ वहां पर आती है, हमने देखा है किस तरह से भूस्खलन की स्थिति बनती है, और इन तमाम चीज़ों से जो लोग पूरा साल भर मेहनत करके कुछ आय इकट्ठी करते हैं या फिर कुछ राशि इकट्ठी करते हैं या कुछ भी संपत्ति बनाते हैं, उनका कितना बुरा नुकसान होता है वो भी हम देखते हैं, और ज़रूरी है कि इस चीज़ का अगर निराकरण होता है तो काफ़ी सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी। बहरहाल सोनू, लौटूंगी अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।